प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में रेलवे से कई जुड़ी योजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन कर रहे हैं। हबीबगंज के रीडेवलपमेंट पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर रोजाना 40,000 यात्रियों का आना जाना होगा। गौड़ साम्राज्य की बहादुर और निडर रानी कमलापति के सम्मान में फिर से विकसित किए गए मध्य प्रदेश के पहले विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया। पीपी के तहत पुनर्विकसित स्टेशन को आधुनिक विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ पर्यावरण अनुकूल इमारत के रूप में डिजाइन किया गया है। स्टेशन पर दिव्यांगजनों के लिए आवागमन में आसानी को भी ध्यान में रखा गया। रानी कमलापति स्टेशन पर 3 ट्रेवल लेटर, 8 लिफ्ट, 112 एक्सेलेटर, 120 इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, 170 कैमरे, 300 LED लगाए गए हैं। एक प्लेटफॉर्म पर एक समय पर 2000 यात्री ट्रेनों का इंतजार कर सकते हैं। 36 मीटर ऊंची बिल्डिंग में 2000 से अधिक यात्रियों को ठहरने की व्यवस्था की गई है। हबीबगंज यानी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से पहले भी कई ऐसे स्टेशन हैं जिनका कलाकल्प किया जा चुका है। इनमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का रेलवे स्टेशन प्रमुख है। वाराणसी के रेलवे स्टेशन पर मॉडर्न एक्सिक्यूटिव लॉन्च बनाया गया है। बनारस रेलवे स्टेशन पर मौजूद इस लॉन्च पर डिजाइन पंचतत्व पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु और जल के संतुलन के थीम पर तैयार किया गया था। इस लॉन्च में वाईफाई, इंटरनेट सर्विस, टीवी, ट्रेन सूचना, डिस्प्ले, गर्म ठंडा पानी, विभिन्न प्रकार के खाना, कपड़े बदलने तथा टॉयलेट आदि की सुविधा भी ले सकते हैं। इस स्टेशन में पैसेंजर और मॉडर्न सुविधाएं मिलेंगी। बता दें कि स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत सरकार ने देश में 39 रेलवे स्टेशनों का रीडेवलप करने की योजना बनाई है। फिलहाल खबरों में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहे ऑथम न्यूज के साथ। धन्यवाद।